दोस्तों सर्वाइवर सीरीज 2023 का प्रीमियम लाइव इवेंट हमें अब कुछ ही घंटों के बाद देखने को मिलने वाला है और इस साल के सर्वाइवर सीरीज के लिए भाई साहब काफ़ी तगड़ी हाइप बनी हुई है। जो फैंस है वो इस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। रीज़न हम सभी को पता है, सीएम पंक इस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा रूमर्स में है कि सीएम पंक का फाइनली WWE के अंदर रिटर्न होने वाला है। इसकी वजह से भी सर्वाइवर सीरीज़ की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होगा मेंस का वॉर गेम मैच। और इस मैच के रिगार्डिंग एक ऐसी थ्योरी निकल कर सामने आ रही है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और वो थ्योरी हमको ऐसे बताती है कि रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर कंप्लीट ही नहीं करने वाले, रैंडी ऑर्टन हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे इस मैच के अंदर। तो दोस्तों थ्योरी हमें ये बताती है कि ड्रू मैकइंटायर रैंडी ऑर्टन को ठिकाने लगा देंगे, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर कंप्लीट नहीं करने वाले। इसके बाद स्टिल वही क्वेश्चन बन जाएगा कि रैंडी ऑर्टन तो अब कोडी रोड्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो कौन वो सुपरस्टार होगा जो कि कोडी रोड्स की टीम को ज्वाइन करेगा। और इसके बाद दोस्तों सीएम पंक यानी कि शिकागो के होम बॉय, होम टाउन बॉय सीएम पंक का म्यूजिक हिट होगा और फाइनली सीएम पंक का कंपनी के अंदर रिटर्न हो जाएगा और वो कोडी रोड्स की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो सीएम पंक का रिटर्न WWE सर्वाइवर सीरीज के अगर इस तरीके से प्लान करने वाली है तो काफ़ी सारे जो फैंस हैं वो अपसेट होने वाले हैं कि भाई साहब रैंडी ऑर्टन को पहले से एडवर्टाइज कर दिया फिर रैंडी ऑर्टन हमें देखने को नहीं मिलते। और रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए काफ़ी सैड न्यूज़ है कि अगर WWE इस तरीके से वॉर गेम मैच का सिनेरियो बनाने वाली है तो सीएम पंक के फैंस तो काफ़ी खुश होने वाले हैं कि सीएम पंक फाइनली कंपनी के अंदर वापस आ गए, लेकिन रैंडी ऑर्टन के फैंस काफ़ी ज़्यादा सैड होने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि WWE किसी भी तरीके से रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक दोनों ही सुपरस्टार को सर्वाइवर सीरीज के अंदर फीचर कर देगी और सीएम पंक का एक अलग से सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि सीएम पंक इतने सालों के बाद जब सर्वाइवर सीरीज के अंदर कमबैक करेंगे तो उनका एक प्रोमो सेगमेंट होगा, उनकी जो फैंस के साथ अट्रैक्शन होगी वो शिकागो के अंदर एक नेक्स्ट लेवल की होती है। ये हमने AEW के शो के अंदर भी देख लिया। तो सीएम पंक का एक अलग से सेगमेंट WWE को प्रोवाइड करना चाहिए और रैंडी ऑर्टन का जो सिनेरियो है वो ऐसा ही रहना चाहिए कि रैंडी ऑर्टन वॉर गेम मैच के अंदर कंप्लीट कर पाए। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये थ्योरी है ये अभी सामने निकल कर आ रही है और अब कुछ ही घंटों की बात है जहां पर सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट हो जाएगा। उसके बाद जो सभी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे, सीएम पंक आएंगे या फिर नहीं आएंगे, रैंडी ऑर्टन किस तरीके से मैच के अंदर कंप्लीट करेंगे, सभी जो क्वेश्चंस है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। तो सर्वाइवर सीरीज के लिए भाई हाइप तो काफ़ी तगड़ी बनी हुई है और अब वेट नहीं हो रहा सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट का, जो कि बहुत ही जल्द अब हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।